नमस्कार, सिल टीवी देख रहे हैं आप। अभी मैं मौजूद हूं जगदीशपुर पंचायत में। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की बहुत हद तक जिम्मेदारी मुखिया, जिला परिषद और वार्ड पार्षद के हाथ में होती है और इन्हीं तीनों के कंधों पर गांव के विकास की जिम्मेदारी होती है। अभी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं राजीव कुमार जी। ये दो बार चांदपुर पंचायत से मुखिया चुने गए हैं और अभी जिला परिषद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जगदीशपुर दक्षिणी क्षेत्र संख्या 17 से। इनसे हम बात करेंगे कि इनका 10 साल का मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा, अभी चुनावी वादे कौन कौन से हैं, कौन कौन से मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में विकास की ज़रूरत नज़र आती है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आप तक सीधी तस्वीर पहुँचाएंगे। सबसे पहले राजीव जी, स्वागत है आपका सिल टीवी में। शबाबो, नमस्कार। हमारा आप 10 साल मुखिया रहे, आपको जनप्रतिनिधि होने का पुराना एक्सपीरियंस है, किस प्रकार अब अपने पुराने कार्यकाल को हमारे जनता तक पहुंचाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कैसा रहा था उस पंचायत का विकास और किस प्रकार से जनता आप पर भरोसा आज भी करती है और आप पंचायत चुनाव छोड़कर जिला परिषद चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मुझे जनता का सेवा करना, सामाजिक कार्य करना, इसमें हमको काफ़ी रुचि है और इसको हम अपना पहला प्राथमिकता मानते हैं। सबों के आशीर्वाद से चांदपुर पंचायत में हमें वोट मिला और चांदपुर पंचायत के समस्त मतदाताओं ने मिलकर मुझे मुखिया बनाया। मैं एक सेवक के रूप में काम किया और सिर्फ मैं पंचायत में चौकीदारी करने का काम किया कि किसी भी हमारे पंचायत में जितने भी भाई बहन, माता तुल्य, जितने भी सभी लोग थे, उन सबों के बीच में हर हमेशा रहना। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी किसी ने मुझे याद किया, वह रात रहे दिन रहे, मैंने कभी अपने जान का परवाह नहीं किया और मैं हर हमेशा जनता के बीच में मैं पहुंचा। और चाहे जो भी कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे अभी वैश्विक महामारी कोरोना काल में बहुत लोग बोलते थे कि बाबू यहाँ से आया वहाँ से आया, इस कोरोना काल में भी हमने खुल करके हर हमेशा सबों के बीच में रहा। मैंने जान का मैंने कभी परवाह नहीं किया, मैं खुल करके रहा कि अगर जहाँ इस काम करने में, इस कार्य को करने में अगर जहाँ हमारी जान भी चले जाए तो हमको उसकी परवाह नहीं है। चांदपुर पंचायत की जनता ने आप पर भरोसा किया, दो बार आपको चुना, क्योंकि आपने जनता के बीच रहकर जनता के दिन को देखा, जनता की मदद की और जनता की समस्या को सुलझाया। पर क्या लगता है आपको, जगदीशपुर दक्षिणी की जनता भी आप पर जिला परिषद पद के लिए भरोसा करेगी? बिल्कुल भरोसा करेगी। अभी के समय में सबसे कठिन चुनाव मुखिया का है और मुझे सबों के आशीर्वाद से मुखिया पद मिला और मैंने पूर्ण रूप से पंचायत में चौकीदारी करने का काम किया, पहरेदारी करने का काम किया, मैं एक सेवक के रूप में काम किया। कौन कौन से मुद्दे लेकर आप अपनी जनता के समक्ष जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या क्या ऐसे कार्य हैं जिनकी बात कर आप वोट मांग रहे हैं, आप हमारे दर्शकों तक इन बातों को भी पहुंचाएं। हमारे जगदीशपुर प्रखंड, जगदीशपुर दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र संख्या के जितने भी हैं, छोटे बड़े जितने मुद्दे होंगे, मैं आवाज़ उठाऊंगा, मैं उसके लिए पूर्ण रूप से मैं लड़ूंगा। और हमारे क्षेत्र में जितने भी पंचायत में जो भी गांव है वहां पर कार्य का रफ्तार जो है वह काफ़ी तेज़ी से चलेगा और इसी भरोसे के साथ मैं सभी जनता के पास में मैं जा रहा हूं। और वो लोग जान भी रहे हैं कि ये दो बार मुखिया रहे हुए हैं पंचायत से और मैं उसी आधार पर मैं इसको आगे लेकर के पूर्ण रूप से मैं जिला में आवाज़ उठाऊंगा और जो भी होगा हमारे जिला परिषद क्षेत्र में जिस प्रकार का भी कार्य होगा उसके लिए मैं नीचे से लेकर के मैं ऊपर तक आवाज़ उठाऊंगा। जो भी छोटी बड़ी मुद्दे होंगे मैं उसके लिए बात रखूंगा और मैं सभी मतदाताओं, भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं सभी से मैं अपील करता हूँ
कि जितने भी मुद्दे होंगे आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं आपके लिए लड़ूंगा और एक भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। ये राजीव कुमार का वादा है, आप सब मिलकर के आशीर्वाद दीजिए, यही वादा है। 10 साल का कार्यकाल काफ़ी लंबा होता है और विकास एक ग्रामीण क्षेत्र में करने के लिए 10 साल काफ़ी समय होता है। आप अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान किसी एक ऐसे विकास कार्य की जानकारी दें, हमारे दर्शकों को बताएं, जिसकी उम्मीद वहाँ की जनता को भी नहीं थी और आपने कर दिखाया, ऐसा कोई विकास कार्य यदि आपको याद हो तो बताएं। मैं अपने बारे में खुद से बोलना अच्छा नहीं समझता हूँ। इस बात की पता ये हमारे जगदीशपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या जिला परिषद का जो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत चांदपुर पंचायत है और मैं पंचायत में क्या कार्य किया, हमारा क्या व्यवहार रहा, वह सबों के बीच में है, वह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे मतदाताओं बंधुओं को सबों को मालूम है। एक अहम सवाल और सबसे छोटा सवाल, आप यहाँ की जनता से लास्ट अंतिम में क्या अपील करना चाहते हैं, वोट के लिए, विकास के लिए, किसी मुद्दे को लेकर क्या बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कह सकते हैं। मैं सबसे पहले शिक्षण संस्थान जो है स्कूल नियमित रूप से चले और स्व समय शिक्षक स्कूल में उपस्थित रहे, घर घर जल नल का जो योजनाएं हैं उसको जहां जहां नहीं पहुंचा है, बहुत ऐसे जगह हैं कि कार्य हो गया है और घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, उन सभी कार्यों को मैं देखूंगा किस कारण से रुका है और जहां पे जल नल नहीं पहुंचा है मैं उसके लिए वहां तक मैं लड़ूंगा और वहां तक मैं पहुंचाने का मैं काम करूंगा। चलिए, विकास के मुद्दे पर वोट मांगना बहुत हद तक सही है क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति होती है यहाँ वोट जात या समुदाय के नाम पर बट जाता है। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र की जनता विकासशील कैंडिडेट को देखकर वोट देगी, अपना मत देगी या फिर वही होगा जो पुराने चुनाव में होता आया है? मेरा अपना खुद का मानना है कि मैं जो मुखिया जो बना दो बार, तो मैं जिस जाति से मैं आता हूँ, हमारी जाति के जो है यानी 20 घर भी हमारे चांदपुर पंचायत में नहीं होंगे, उसके बाद भी मुझे दोनों बार अपार समर्थन मिला, इस लेकर के मैं काम के मुद्दे को मैं रखता हूँ। और आदमी आजकल जो है, जो हमारे सभी भाई बंधु हैं उनको सबों को विश्वास है। चलिए, विकास के मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये प्रजातंत्र के लिए सबसे अच्छी बात है। ये थे हमारे साथ राजीव कुमार जी, जो जिला परिषद पद के उम्मीदवार हैं जगदीशपुर दक्षिणी क्षेत्र संख्या 17 से। इनसे हमने बात की कि क्या मुद्दे को लेकर ये अपनी जनता के समक्ष जा रहे हैं, किन विकास वादों को लेकर ये वोट की अपील कर रहे हैं और लगातार ग्रामीण क्षेत्र का हम भ्रमण करेंगे, हर एक प्रत्याशी की बात आप तक पहुंचाएंगे, क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य अटका पड़ा है, कहां घोटाला हो रहा है, कहां पर काम नहीं है, कहां बहुत ज़्यादा विकास है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे। आप लगातार सिल टीवी को देखते रहें। ये वीडियो यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।